हेलो एवरीवंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि मैंने हैप्पी न्यू ईयर का यहाँ पे एक फ़ोटो बना रहे हैं, एक पिक्चर बना रहे हैं, जिसमें कि पता चल रहा है कि कोई एक लड़की है, उसमें हैप्पी न्यू ईयर लिखा हुआ है। हैप्पी न्यू ईयर लिख के यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक पिक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस चार स्टेप में इसको बांट लिए पेज को। सबसे ऊपर वाला जो पेज है, जिसमें सबसे ऊपर वाला मैं फेस बनेगा और फेस के साथ हेयर बनेगा, तो यहाँ से हम लोग ड्रॉ करेंगे एच। एच जब बनाएंगे तो इसी में हम नोज़ बनाएंगे। नोज़ बनाने के बाद एकदम स्लोली यहाँ पे हम लोग आप सबको दिखा रहे हैं। नोज़ बनाने के बाद फिर लिप्स बना देते हैं और फिर लिप्स के साथ फिर नीचे वाला ठुड्डी को यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। एकदम आसानी से आप लोग ड्रॉ कर सकते हो। सबसे पहले एच बना लो, या एच बनाने के बाद ये नोज़ और माउथ को बना सकते हो, ओके, या फिर डायरेक्ट भी बना सकते हो जैसे हम बनाए हैं। अब यहाँ से एच तो कम्प्लीट हो गया, अब यहाँ से हम लोगों को कंप्लीट करना है ए। यहाँ पे जो पेंसिल का यूज कर रहे हैं 0.5 ये पेंसिल था, ये बहुत हल्का चल रहा था, मैंने सोचा इसलिए आर्ट लाइन का 10B पेंसिल यहाँ पे यूज करके बनाएं, कि आप सबको यहाँ से देखने और समझने में कोई परेशानी ना हो, इसीलिए 10B पेंसिल से यहाँ पे हम लोग बना रहे हैं, जिससे कि आसानी से आप लोग दिखाई दे सकता है। आप लोग किसी भी पेंसिल का यूज कर सकते हो और इसका कलर भी कर सकते हैं, हालाँकि मैंने कलर नहीं किया है, लेकिन आप लोग कर सकते हो करना चाहो तो। फेस वाला को फेस के साथ और हेयर को ब्लैक से, उसी तरह जिस कपड़ा जो कपड़ा है जिस कलर का चाहते हो उस तरीका से उसको ड्रॉ कर लोगे। चलिए, हम लोग का ये पे हल्का दिखाई दे रहा था ये वाला एच वाला पॉइंट, इसको हम लोग फिर से एक बार ड्रॉ कर लिए, ओके। अब देखते हैं अगला पॉइंट, एच तो हो गया, यहाँ पे पी लिखना है, एच ए डबल पी लिखना है, तब तो हैप्पी होगा ना। तो डबल पी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इस टाइप का अगर हम लिखते हैं पी, यहाँ पे पता चल जाता है कि हाँ फीमेल का चेस्ट टाइप का यहाँ पे पता चल रहा है, तो यहाँ से डबल पी लिखना है। तो यहाँ से हम लोग डबल पी तो दे दिए। देखिए, सबसे पहले आउटलाइन ड्रॉ कर रहे हैं, आप चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो मेरे तरह, या फिर सिंपल से आसानी से इसको स्क्रीनशॉट करके कर सकते हो स्टेप बाई स्टेप। जो यहाँ तो हैप्पी हो गया, एच ए डबल पी वाई बचा हुआ है, तो वाई को हम लोग इस तरीका से डिनोट कर देते हैं, और वाई में ही हम लोग हैंड को बनाएंगे, हाथ को बना देंगे, जिस तरीका से पता चलेगा हाँ वाई से ही हाथ निकला हुआ है। चलिए, अब इसको शोल्डर बना देंगे ऊपर के साइड में गोल टाइप का, तो हो गया हमारा एच ए डबल पी वाई हैप्पी। यहाँ से हम लोग का फिंगर भी बन गया। अब देखते हैं, हैप्पी तो बन गया, अब यहाँ से हम लोग न्यू लिखेंगे। तो न्यू हम लोग कैसे लिखें, तो सबसे पहले एन लिखेंगे, इस तरीका से हम लोग को एन लिखना है, जैसे कि यहाँ तक तो ये हो गया। अब इस पूरे एरिया को कवर करने के लिए हमको कहीं ना कहीं तो लेके जाना ही पड़ेगा इस तरीका से, मतलब इधर उधर घुमा के। तो यहाँ से हम लोग एन को बना देते हैं, एकदम सिंपल सा यहाँ पे एन भी बन जाएगा। तो देखो, अब ये वाला पॉइंट को भी इसमें मैचिंग कर देंगे, ये तो हाथ सामने है इसलिए इसके पीछे हम लोग एन बनाएंगे, क्योंकि ये फ्रॉक है। एन ई डब्ल्यू तब होगा ना न्यू, तो ई को थोड़ा स्टाइल कर देते हैं इसको कवर करने के लिए। अब चाहे तो दूसरे ई सिंपल ई भी लिख सकते हो, यहाँ पे बना सकते हो, एन ई डब्ल्यू हो जाएगा न्यू। कहने का मतलब न्यू सबसे छोटा वर्ड है लेकिन सबसे बड़ा लिखा गया है इसमें। और हैप्पी एच ए डबल पी वाई, ऐसे कि पांच वर्ड है, वाई ई ए आर इसमें भी चार वर्ड है। तो कहने का मतलब जो सबसे कम स्पेस ले रहा है वो सबसे ज़्यादा वर्ड है, और सबसे ज़्यादा जो वर्ड स्पेस ले रहा है वो सबसे कम वर्ड लिखा गया है। तो यहाँ पे हम लोग का न्यू हो गया। अब यहाँ पे हम ईयर लिखेंगे वाई, तो वाई के लिखने के लिए इसी में हम लोग लेग बना देंगे, पैर को बना देंगे। अब यहाँ से पैर को, अब यहाँ से यहाँ पे जो वाई है वाई का पोर्शन इस तरीका से बना देंगे। जब ये वाई बन गया तो नीचे पे शूज बना देंगे, मतलब एक जूता भी बना देंगे, इसका ये जूता बन गया वाई। अब ई को बनाएंगे जिस तरीका से बनाए थे उसी तरह ई बनाएंगे। अब ए लिख देते हैं इस तरीका से करके, ए भी हो गया। अब लिखेंगे ई और आर लिखना है, तो आर के लिए पहले नीचे से स्विच बना दिए ये वाला पॉइंट। अब देखते हैं इसमें आर बनाना है किस तरीका से बना, छोटा सा एक नोकीला करके सीधा कर दिया, अभी इसके बीच में बीच वाला कर दिए, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो इसको सुधार सकते हो आप लोग। चलो, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको कलर करेंगे, पेंसिल से ही फिनिशिंग करेंगे। तो कहने का मतलब हेयर जो है 10B का यूज करके इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो अब यहाँ से हल्का पेंसिल का स्ट्रोक करके इसको भी
फेस को भी कर लेते हैं। अब इसी के अंदर ये क्या कर दिए कि अब 4B का पेंसिल का यूज करके ये बना लिए हैप्पी वाला पोर्शन, डबल पी वाई वाला पोर्शन। अब ये कंप्लीट हो गया। अब इन वाला पोर्शन पे हल्का 4B का शेडिंग कर देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। जब ये पूरी तरीका से मिक्स हो गया तो अब आते हैं ईयर वाला पोर्शन में, जो नीचे लिखा हुआ है ईयर। अब ईयर वाला पोर्शन को भी हल्का 6B से डार्क कर दिए। 6B से डार्क करने के बाद इसको हल्का हल्का ब्लेंडिंग कर दिए। जब ब्लेंडिंग हो गया तो सूज को भी ब्लेंडिंग कर देंगे। जो सूज है हम लोग का, इसको भी ब्लेंड हो गया। तो ये सूज जो है पूरी तरीके से ब्लैक और हेयर जो है पूरी तरीके से ब्लैक दिखाई दे रहा है। क्या आई होप कि आप सबको ये सब कुछ समझ में आ गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक करिए, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।